इस वीडियो में हम देखेंगे रिपोर्ट्स के बारे में। तो रिपोर्ट्स को मैंने इस सीक्वेंस में रखा है कि जो सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली से पहले आ रहे हैं उन्हें पहले बताऊंगा, फिर नेक्स्ट स्क्रीन में जो आ रहे हैं उसके बाद में नेक्स्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले शुरू करते हैं बैलेंस शीट से, जिसका शॉर्टकट है बी। मैंने आपके लिए यहाँ पे शॉर्टकट्स लिख के रख दिए हैं, आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बैलेंस शीट के लिए हम सीधा कीबोर्ड पे से बी दबा सकते हैं तो बैलेंस शीट में आ जाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट साइड में ऊपर फिक्स्ड एसेट्स आपको दिख रहे हैं। तो फिक्स्ड एसेट्स में आपके जो भी एसेट्स है वो सब दिखेंगे यहाँ पर। अगर आपको डाउट आएगा कि ये फिक्स्ड एसेट मैंने कब लिया या कैसे लिया, तो उस पर एंटर करते हुए चले जाइए तो आपके सामने वो वोचर खुल जाएगा, राइट। अब मैं दोबारा उसे एस्केप करते हुए बाहर आ जाता हूँ। ये मैं दोबारा बैलेंस शीट में आ गया हूँ। कोई आपके डेटार्स है जिसे आप सेल करते हैं, उनसे अगर आपको पैसा आना बाकी है तो वो आपको दिखाएगा करंट एसेट्स में। तो करंट एसेट्स में जाने के बाद में आपको जाना होगा सन्डरी डेटार्स में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर डेबिट साइड है, आपको इतना पैसा आना बाकी है। और सेम वे में लेफ्ट साइड में होता है करंट लायबिलिटीज़। सो करंट लायबिलिटीज़ में आपको क्रेडिटर्स को अगर आपको कुछ पैसा चुकाना बाकी है तो वो भी आपको यहीं पे दिखेगा। सो करंट लायबिलिटीज़ में जाते हैं, और यहाँ पे सन्डरी क्रेडिटर्स सेलेक्ट कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं पार्टी का नाम जो है पीएस, उसे आप इतना चुकाना बाकी है, क्रेडिट साइड है, राइट। सो उम्मीद करता हूँ आपको बैलेंस शीट समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट हम चलते हैं स्टॉक समरी पे। सो एस आप दबा सकते हैं उसके लिए सीधा। सो एस दबा करके स्टॉक समरी पे चलते हैं। अब आपके यहाँ पे दो आइटम्स है, बुक और पेन, और उसके रिलेटेड डिटेल्स यहाँ पे आपको दिखाए जा रहे हैं। अगर आप पूरी डिटेल में देखना चाहते हैं तो बुक पे आप एंटर कर सकते हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनवर्ड कितना है और आउटवर्ड कितना है। नहीं, और आपको अगर डिटेल में देखना है तो आप इस पर एंटर कर सकते हैं और यहाँ पर आपको डिटेल्स मिल जाएंगे इनवर्ड और आउटवर्ड के, और यहाँ पर जो है किस वोचर टाइप में आपने उसकी एंट्री की है उसके भी रिलेटेड डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सो मैं एस्केप करते हुए बाहर आ जाता हूँ। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर डे बुक की। सो यहाँ पर आपको जाना होगा डिस्प्ले में, यानी डी दबाना होगा, और फिर से यहाँ पर जो है डी यानी डे बुक। तो आपको इसका डे बुक का जो शॉर्टकट है वो है डी डी। गेटवे ऑफ टैली से मैं दबाता हूँ डबल डी और मैं पहुँच जाता हूँ डे बुक में। वो सारी डिटेल एंट्री मिल जाएगी उस तारीख की जो यहाँ पर सेलेक्टेड है। सो फॉर एग्जांपल आप एक सिंगल तारीख का देना चाहते हैं तो आप यहाँ से राइट स्ट्रिप पे से डेट सेलेक्ट कर सकते हैं और वो डेट दे सकते हैं। नहीं, मुझे कुछ इस तारीख से इस तारीख तक चाहिए तो आप पीरियड सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर तारीख मेंशन कर सकते हैं। और अगर आप इन एंट्रीज को थोड़ा डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से डिटेल्ड दबा सकते हैं, तो आपको वहाँ पे नीचे उसकी एंट्रीज दिख जाएगी बराबर। सो मैं फिलहाल इसे कंडेंस्ड कर देता हूँ। अब आप फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ से इसका पेमेंट वोचर में मैंने इसकी एंट्री कर दी, लेकिन आपको अगर वोचर बदलना है तो आप यहाँ से चेंज वोचर दबा सकते हैं एंड यू कैन सेलेक्ट कि भाई किस वोचर में आप उसे बदलना चाहते हैं। ये एक फीचर है आपके पास। इसके अलावा नीचे के स्ट्रिप पे आप देख सकते हैं इसके साथ आप क्या क्या कर सकते हैं। जो फॉर एग्जाम्पल ये मैंने गलती से एंट्री कर दी, नहीं करना चाहिए था, तो मैं इसे डिलीट भी कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर डिलीट करने पर एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर जो परचेजेस है, मेरे पास चार परचेजेस है, मैं परचेस का जो नंबर वन वाला बिल है उसे मैं डिलीट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर 2, 3, 4 बचने चाहिए एक्चुअली। तो यहाँ पर डिलीट करने के लिए शॉर्टकट है ऑल्ट डी, तो मैं यहाँ से ऑल्ट डी दबा देता हूँ। सो अब देखिएगा यहाँ पर 2, 3, 4 नहीं बचे, 1, 2, 3 बचे हैं। इसका मतलब सिंपल है कि जो भी बिल नंबर्स थे वो ऊपर सरक गए। कुल सा मतलब ये है कि भाई जो भी बिल नंबर्स थे, क्योंकि 1 डिलीट हो गया तो 1 नेक्स्ट वाले को चला गया, फिर 2 और फिर 3। अब अगर आपको बिल नंबर रिटेन करना है और उसे बिल नहीं चाहिए तो आप बिल को कैंसिल कर सकते हैं। सो यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप परचेज में 1, 2, 3 है, अब मैं परचेज को इस बार कैंसिल कर रहा हूँ, ऑल टेक्स यहाँ पे मैं दबा देता हूँ। सो ये कैंसिल के लिए पूछ रहा है और मैं इसे कर देता हूँ यस। तो अब आप देख सकते हैं परचेज का जो नंबर वन बिल है वो है, उस पर जाने पर कैंसिल्ड दिखेगा, तो आप इस तरह से कैंसिल कर सकते हैं। अब इसी बिल का अगर आपको डुप्लीकेट बनाना, मान लीजिए यहाँ पे जो सेल्स बिल है इसका आपको और एक सेम कॉपी डुप्लीकेट बनाना है, तो आप यहाँ से ले सकते हैं Alt 2, तो मैं यहाँ पे Alt 2 दबा देता हूँ, अब उसका डुप्लीकेट आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट अगर आपको इंसर्ट वोचर करना है, मतलब फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे बिल नंबर 2 मैंने सेलेक्ट किया, तो ऐड वोचर पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ऐड वोचर दबा देता हूँ, तो आप देखिए बिल नंबर आ गया 3, मैंने बिल नंबर 2 सेलेक्ट किया और ऐड वोचर दबाया, यानी उसके नीचे का जो बिल है जो ऑलरेडी 3 नंबर है उसको वो 4 पे कर देगा और आपके लिए 3 नंबर का खुल जाएगा। वही इंसर्ट वोचर अगर मैं दबाता हूँ, मैं 2 पे सेलेक्टेड हूँ और इंसर्ट वोचर दबाता हूँ, तो आप करेक्टली जिस बिल पे आपने क्लिक किया है वहाँ पर उसी को वो ओपन करेगा इंसर्ट वोचर। यानी कि क्या होगा, यहाँ पर जो 2, 3 बिल से उसका नंबर चेंज होकर 3 और 4 हो जाएगा और आपके लिए बिल नंबर 2 ओपन हो जाएगा, राइट।
अब यहाँ पर रिमूव लाइन करके आप देख सकते हैं ऑल्ट आर जो है, तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल ले जो बिल नंबर 2 है यहाँ पे मैं ऑल्ट आर दबा रहा हूँ, आप देख सकते हैं वो टेम्पररली इनविजिबल हो गया है। वापस आप चाहें तो यहाँ से रिस्टोर लाइन दबा सकते हैं जो कि है ऑल्ट यू, तो ऑल्ट यू दबाने से वो वापस आ जाता है। नहीं आपने बहुत सारी लाइन्स पे कर रखा है तो रिस्टोर ऑल आप कर सकते हैं जो कि है कंट्रोल यू। अब इसके बाद में एक एक बिल आप डिलीट नहीं करना चाहते, बहुत सारे आप एट ए टाइम डिलीट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सेलेक्ट करने के लिए जो है स्पेस है, यानी कि आप मैंने यहाँ पे स्पेस बार दबा दिया, अब वापस यहाँ पे गया इस पे मैंने स्पेस बार दबा दिया, कुछ इस तरह से आप कर सकते हैं। अब इन दोनों को एट ए टाइम डिलीट करना है तो ऑल्ट डी आप प्रेस कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे देखते हैं कि डिलीट सेलेक्टेड ये पूछ रहा है, राइट, तो मैं यस कर दूंगा तो वो डिलीट हो जाएंगे। और अगर आपको सारे ही सेलेक्ट करने एट ए टाइम डिलीट करना हो या कोई भी काम करना हो, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कंट्रोल स्पेस। तो जैसे मैं कंट्रोल दबाए रख करके स्पेस बार दबाता हूँ, सारे के सारे सेलेक्ट हो जाते हैं, अब आप जो करना चाहें उसके साथ कर सकते हैं, राइट। और वही अगर आपको कुछ बिल में चेंजेस करने या फिर देखना है तो आप वो भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैं बिल नंबर 2 में चले जाता हूँ परचेज के और एंटर करता हूँ, और यहाँ पर मुझे कोई डिटेल्स चेंज करने थे। एग्जाम्पल के लिए मुझे बुक्स का ऑर्डर 22 का मिला था, तो मैंने यहाँ से 22 चेंज कर दिया और इसे मैं सेव कर देता हूँ कंट्रोल ए दबा करके। सो ये था डे बुक। अब हम बाहर आ जाते हैं एस्केप करते हुए। नेक्स्ट ऑप्शन आप देखते हैं गेटवे ऑफ टैली से, जो कि है कैश बुक और बैंक बुक। अब यहाँ पर देखिए कि जो फर्स्ट पेज में ही है गेटवे ऑफ टैली में है, वहाँ पर आपको तो सिंगल लेटर के शॉर्टकट आ रहे हैं जैसे बी एस, और नेक्स्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे डी आ रहा है, क्योंकि हम डिस्प्ले के अंदर जा रहे हैं तो डी तो फिक्स हो गया, बाकी सारे ऑप्शन डिस्प्ले के अंदर ही है, तो यहाँ पर देखिए सब में डी तो कॉमनली आएगा। और यहाँ पर डिस्प्ले में जाते ही डे बुक सामने ही था, इसलिए यहाँ पर हो गया डी डी। अब बाकी सारे ऑप्शन जितने भी है लगभग लास्ट तक वो अकाउंट बुक्स के अंदर है, इसलिए देखिए डी फॉर डिस्प्ले ए फॉर अकाउंट बुक्स, तो डी ए कॉमन हो गया। अब यहाँ पर डी और ए कॉमन हो गया, राइट। सो नेक्स्ट है जैसे कि कैश बुक का सी, एल का लेजर और ग्रुप समरी का जी, एस का सेल्स रजिस्टर, पी का परचेज रजिस्टर, इस तरह से। तो हम लाइन से एक वन बाय वन देख लेते हैं क्योंकि सेम स्क्रीन पे ही है यहाँ पर। सो कैश या बैंक बुक्स के डिटेल आप यहाँ पे इसमें जा करके देख सकते हैं। सो अभी आप फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे एक बैंक पे एंटर कर रहे हैं, एंटर करने के बाद में मंथ आप सेलेक्ट कर सकते हैं किस मंथ में चाहिए, और एंटर करने के बाद में उसके सारे डिटेल्स आ जाए। और जो ऑप्शन हमने पहले देखे थे डिलीट कैंसिल डुप्लीकेट, वो सब आपको यहाँ पर दोबारा दिख रहे हैं। यहाँ पर आपको पीरियड दिख रहा है, वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सो मैं बैक आ जाता हूँ। लेजर्स तो आपने बहुत सारे बनाए थे, लेजर सेलेक्ट कर लिया। फॉर एग्जांपल किसी स्पेसिफिक पार्टी का मुझे लेजर चाहिए, एसएस का मुझे एंट्री देखना है, तो मैं एसएस टाइप कर दूंगा यहाँ पे और एंटर कर दूंगा, और आप देख सकते हैं पूरे एसएस के रिलेटेड जितने जैसे यहाँ पे खुल चुके हैं। अब मैं एस्केप करते हुए बाहर आ जाऊंगा। मान लीजिए आपको इस महीने में पूरा सेल्स कितना हुआ या फिर परचेस कितना हुआ वो भी जानना है, तो आप यहाँ से सेल्स दबा सकते हैं, और मैं सेल्स सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये सेल्स का रिलेटेड आ गया पूरा। इसी तरीके से परचेस या फिर आपको कुछ भी देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं लेजर्स में से। नेक्स्ट आता है ग्रुप समरी। सो ग्रुप समरी यानी क्या होता है, आप अंडर ग्रुप सेलेक्ट करते हैं लेजर्स बनाते समय, उस पूरे ग्रुप का आपको अगर चेक करना है तो आप कर सकते हैं। जैसे कि मुझे सारे डेटास का चेक करना है, तो मैं यहाँ पे सन्ड्री डेटास को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सो सन्ड्री डेटास का फिलहाल मेरे पास एसएस का रिलेटेड डिटेल है, तो यहाँ पे मैं एंटर दबा करके उसे खोल देता हूँ। अब नेक्स्ट है यहाँ पे सेल्स रजिस्टर। तो आपने ऑलरेडी एक बार देखा था कि लेजर में सेल्स खुल रहा था और यहाँ पर अलग से इसने बाहर ही सेल्स रजिस्टर दे दिया है, तो लेजर में आपको जाना होता है, फिर से सेल्स टाइप करना होता है और सेलेक्ट करना होता है। लेकिन सेल्स रजिस्टर में आप यहाँ पे आपको मंथ वाइज ये दिखा देता है कुछ इस तरह से, आप इस पर एंटर करके जा सकते हैं। अब ये पूरा सेल्स रजिस्टर की एंट्रीज आपको दिख रही है यहाँ पर। इसी तरह से परचेज रजिस्टर, यहाँ से आप पी दबा सकते हैं, और अगर आप गेटवे ऑफ टैली से तो डी ए पी दबा सकते हैं, और इसमें आप एंटर करके जितने भी आपके परचेज रिलेटेड है आप देख सकते हैं। अब मैं सीधा वापस स्टार्टिंग स्क्रीन पर चले जाता हूँ, और देखिए आपके लगभग मैंने ये सारे कवर कर दिए, और बचा रिटर्न्स। सो जीएसटी रिटर्न्स का सिंपल सा शॉर्टकट है डीओजी है। डी फॉर डिस्प्ले हो गया, डी दबा दिया। अब यहाँ पर स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स ओ, सो ओ दबा दीजिए, एंड जीएसटी के जी, सो जी दबा दिया। अब यहाँ पे आपके रिटर्न्स आ गए, राइट। सो रिटर्न्स आप एक्चुअली जीएसटीआर 1 में आपके सारे सेल्स के रिलेटेड रिटर्न्स होते हैं, 2 में परचेस के रिलेटेड रिटर्न्स होते हैं, और 3 भी होता है दोनों का डिफरेंस। सो जीएसटीआर 1 में, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया है कि जीएसटी नंबर्स दिए नहीं है, इसलिए वो इनकम्प्लीट या मिसमैच में दिखा रहा है। तो इनकेस आपको कभी इनकम्प्लीट या मिसमैच आ जाए तो आप उस पर एंटर कर सकते हैं, और यहाँ पर वो
दोबारा एंटर करने पे बता देगा आपको कि क्या करना है, यहाँ पे कुछ डिटेल प्रोवाइड करना बाकी है। उस पर एंटर करता हूँ तो ये देखिए आपको जीएसटी नंबर पूछ रहा है। फिलहाल मेरे पास नहीं है इसलिए मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ, स्किप करते हुए आता हूँ। अगर आप ये पूरा सॉल्व कर देते तो यहाँ पे नीचे डिटेल्स आना चालू हो जाता है। अब मैं स्किप करते हुए बाहर आ जाता हूँ। सेम परचेज के लिए भी होता है। अब 3B में आपको दिखा देता हूँ, जीएसटी 3B खोलता हूँ मैं। अब यहाँ पर इस फॉर्मेट में तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे समझ में आया उस फॉर्मेट में करने के लिए मैं यहाँ से दबा देता हूँ व्यू समरी। सो जैसे व्यू समरी दबाता हूँ, ये देखिए लोकल सेल्स टैक्सेबल और यहाँ पे लोकल परचेज टैक्सेबल वगैरह आ गए हैं। अब मुझे और डिटेल्ड में चाहिए तो मैं यहाँ से डिटेल दबा देता हूँ, तो ये देखिए डिटेल में मुझे मिलेगा कि सेल्स टैक्सेबल 5% कितना है, 18% कितना वगैरह। और अगर आपको किसी स्पेसिफिक पीरियड का चाहिए तो आप यहाँ से पीरियड सेलेक्ट कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ आपको रिपोर्ट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू। प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।